जब तक जो ये इसका जो तेल है हमें दिखेगा अलग और फिर हमें पता चल जाएगा इसका रिंगा पूरा हो गया है। तो हम उसमें थोड़ी सी करी डाल के फिर दूसरी को दे के हमारा मीट तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा मीट है अभी अच्छी तरह से इसको फ्राई नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज एंड फूड। तो आज मैं आपको एक और नई रेसिपी दिखाती हूँ बना के मटन की। तो आज हम ज़रा मटन किसी और तरीके से बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ये प्याज ये साफ करके फिर उसको काटेंगे। ये प्याज जो है इस तरह सूख गए हैं तो सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। मैंने पहले भी मटन की बहुत सारी रेसिपीज दिखाई है, आज हम क्या करेंगे कि मटन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मटन को फ्राई करके उसके बाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्याज काट के इनको जो है इनको भी फ्राई करेंगे, फिर मटन को अलग से फ्राई करेंगे। तो मैं आज आपको मटन रोगन जोश की रेसिपी दिखाती हूँ। सबसे पहले प्याज को छोटा छोटा काटेंगे। हमने प्याज को थोड़ा साफ कर दिया। यह देख सकते हो हम इसमें दो तीन प्याज, ये थोड़े बड़े बड़े प्याज हैं तो एक किलो मीट में हम तीन चार प्याज डालेंगे। बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। अगर ज़्यादा जो जो ज़्यादा पसंद करता वो ज़्यादा भी डाल सकता है, लेकिन थोड़ा इसमें कम ही बनाऊँगी, कम ही तरी बनाऊँगी, इसलिए मैं इसमें जो ये प्याज है वो भी थोड़ी सी ही डालूंगी। तो ये जो हमारे प्याज हैं, ये हमारे प्याज जो हैं ये साफ़ हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज एंड फूड। तो गाइस आज मैं आपको मीट केक और रेसिपी बताना दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी प्याज काटूंगी सबसे पहले। तो तेल मैंने जो है वो बॉयल करने के लिए डाल दिया है। अब मैं प्याज काटूंगी, वो अलग से फ्राई करूंगी। यहाँ देखिए मैंने प्याज जो है वो छिल के रखे, अब इसको मैं जो काटूंगी
मोबाइल मुझे खुद ही पकड़ना पड़ता है इसलिए थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखेगा प्याज काटना। पहले प्याज काटूंगी, प्याज काटे रहने दो ऐसे ही। तो मैंने इतने से जो है प्याज डाल दिए, यदि थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मुझे लगता है एक आधा कम ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज है, आधा से मैंने निकाल ही दिया। बाकी मैं इसमें डाल देती हूँ इतने से प्याज, ये हैं प्याज, उनको मैं अब डालूंगी तेल में। प्याज जैसे तो मैंने तेल बॉईल किया, अभी थोड़ी प्याज और फ्राई करूँगी। तो ये आप देख सकते हो हमारे प्याज जो है फ्राई हो रहे हैं। लाल करेंगे, इनके रेड कलर के हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसे निकालेंगे। अभी तो फिलहाल अभी पके करने टाइम लगेगा, इसे तो ये बहुत पकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा चीज़ निकाल के रखा हुआ है कोफ्ते के लिए भी, इसमें जो है ये जो है आइस बन चुका था, थोड़ा मैंने बाहर रखा तो और नरम हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं फ्राई होंगे, इनको 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो गैस आप देख सकते हो मैं ये मिर्च जो है मैं ये साफ़ करके डाल रही हूँ। और ये मैंने मटन धोया, पहले साफ़ किया, अब मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ मटन को। ज़्यादा नहीं है, चर्बी बहुत कम है, लेकिन मीट बहुत अच्छा है। मीट अच्छा है, बहुत अच्छा मीट आया है। हम इसका रोगन जोश बनाएंगे। मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए, हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे। देखो तो अच्छे से फ्राई करेंगे,
चलो ये हमारे बिल्कुल ये और रेड कलर के ब्राउन कलर के हो जाएंगे प्याज। चलो हम जो है कि प्याज फ्राई करेंगे। ये हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे की रेसिपी बनाएंगे। देखिए ये हमारे प्याज हो रहे हैं। प्याज हमें ब्राउन कलर के होने चाहिए तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे। फिर हम इसमें जो टमाटर डालेंगे तब तक हम थोड़े से मसाले कूटेंगे। इसके लिए मसाले कूट के रखेंगे। वो आप देख सकते हैं तब तक हमारा जो ये है प्याज ये भी थोड़े से भून चुके हैं। आप देख सकते हो प्याज हमारे भून चुके हैं। आप देख सकते हो हमारे प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मीट डालेंगे। मैं एक एक पीस डालूंगी क्योंकि इसमें फिर बाद में पानी निकलता है तो मैं एक एक पीस करके डालूंगी। ये मैंने आपकी जो है फुल टाइम धो के रखती तो फिर मैं ऐसे ही डालूंगी। देखिए मैं इसमें थोम डालूंगी। अब सबसे पहले थोम ये कुटा हुआ थोम था मेरे पास डाल दिया। तो थोम के बाद मैं इसमें डालूंगी डालूंगी और देखिए जो कलर अच्छा है नीचे भी डाल दी थी ऐसे में। इसमें अच्छे से मसाले मिला दिए। बाकी मसाले डालूंगी। तो ये आप देख सकते हो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जो है मुझे बड़ी पसंद है। देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मीट मसाला एक चम्मच और डालूँगी ज़ीरा। ये वही देसी ज़ीरा है उससे ये डिफरेंट होता है क्योंकि महंगा भी बहुत होता है। तो और डालूँगी ये लाल टिक्की। लाल टिक्की से तो आप देख सकते हैं मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। ये सब मसाले डाल दिए हैं। अब मैं कुछ मसाले जो हैं वो कूट के डालूंगी। जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी है और जीरा है और कोरिएंडर सीड्स है।
लेकर फिर मैं सारा मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी कूट के। मैं भी दिखाती हूँ आपको, तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मसाले को इसमें डाल दिए हूँ। तो अच्छे से फ्राई करूँगी, आपको थोड़ी लाइट नहीं है, ये थोड़ा इन्वर्टर की लाइट है, अब दिखा रही हूँ आपको वीडियो। मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है, तो अच्छी लाइट से मैं बनाऊँगी, फ्राई करूँगी। ये मटन की रेसिपी है, मतलब रोगन जोश। मटन हम ऐसे ही कम खाते हैं क्योंकि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसे मटन हम थोड़ा कम ही बनाते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार बनाते हैं। तो हम आपको इसको तड़का लगाएंगे, इसको सामने का तरीका तो हमें कोई कम से कम आधा घंटा जो है हमें इसको ऐसे ही पकाना है, जैसे कि प्याज है थोड़ी बिल्कुल मैश ना हो जाए। देखिए प्याज हमारे तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ये दिखने नहीं चाहिए प्याज हमारे, A few moments later. आप देख सकते हैं मैं ये चार पांच इलायचियां डालती हूँ, ये पांच इलायचियां हैं, इनको मैं अच्छे से कूट लूंगी पहले। ये मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे, मसाले भी ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद में ये जो है ये मैंने कूट लिए हैं। अब मैं इसमें ये कश्मीरी वर्ड जिसको टिक्की भी बोलते हैं, ये कश्मीरी टिक्की है, इसको मैं कूट लूंगी। इसको थोड़ा कूटने में टाइम लगता है, आप देख सकते हो ये मैंने इसमें कूट लिया। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या डालेंगे, ये ज़ीरा, ये वाला ज़ीरा डालेंगे, और एक इलायची, ग्रीन इलायची एक ही डालेंगे, थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा ग्रीन इलायची का। और ये जो काली मिर्ची है ये भी डाले, और थोड़ा सा कोरिएंडर सीड जो है वो भी डाल दिया। ये आप देख सकते हो ये मैंने ये वाला ज़ीरा डाला, फिर मैं एक वो देसी ज़ीरा डालूँगी जो बहुत ही मशहूर है, जो हाँ देसी ज़ीरा है वो भी डालूँगी। ये वाला ज़ीरा है जो मार्केट में आराम से मिल जाता है, तो फिर मैं एक ज़ीरा डालूँगी जो पार्टी ज़ीरा है वो भी डालूँगी। तो अच्छे से कूट लिया, वो वाला ज़ीरा भी मैं ऐड करूँगी। वो ये वाला ज़ीरा है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल ज़ीरा है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और ऐसे भी नहीं मिलेगा लोकल में, ये पाउडर में ही मिलता है, ये पार्टी ज़ीरा इसको बोलते हैं। तो मैं इसमें ये भी डाल दूँगी, ये ज़ीरा भी, इसको इकट्ठे में सब कुछ डाल के मैं ये कूट लूँगी, और थोड़ी सी दालचीनी भी डालूँगी। आप देख सकते हैं एक इतना सा टोटल में दालचीनी का भी डालूँगी, सबको इकट्ठे में अच्छे से कूट लूंगी। तो ये मैंने इसमें जो मसाले हैं ये कूटी हैं, देखो इलायची चार वो कूटी हैं, और एक ग्रीन इलायची डाली है, और कश्मीरी टिक्की डाली है, ज़ीरा और कोरिएंडर सीड डाला हुआ है, और दालचीनी डाली हुई है। देख सकते हैं मैं इसमें डाल दूँगी, देख सकते हैं
अभी जो है इसमें थोड़ा सा मैं कुटा हुआ थोम डालूंगी, मेरे पास थोड़ा सा कुटा हुआ थोम है। ये मैं एक चम्मच डालती हूँ। इसमें ये सारे मसाले पड़ते हैं, ये सब कुछ डाल दिया, ये जो अलग चीज़ सब कुछ मैंने थोम भी डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया, तो मसाले इसमें सब पड़े। अब इसको फिर गहरा देना है जब तक ये जो है तेल तेल का कलर बाहर ना आ जाए, तब तक हमने इसको ऐसे ही बनाते जाना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगे कोई बात नहीं, लगे कोई बात नहीं। इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, तो फिर इसको हम एक दो सीटी भी देंगे, क्योंकि ये जो मटन है तो ये ऐसे नहीं बनता है, इसमें एक दो सीटियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कुटा हुआ मसाला, इसमें जो है बड़ी इलायची मैंने तीन चार डाल दी हैं, चार पांच बल्कि डाल दी हैं, मैंने इसमें डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं नीचे कलर कितना अच्छा आ रहा है। गोभी से डाल दी है, दिखाएंगे हफ्ते में एक बार या दो बार मटन की रेसिपी दिखाएंगे, क्योंकि मटन तो हमें थोड़ा कम ही पचता है, हस्बैंड को नहीं पचता है, उनको मेरे कैसे दें, तो इसलिए मटन की रेसिपी बीच बीच में दिखाएंगे, बाकी रेसिपीज हम कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। तो इसलिए हमने मटन बना लिया, तो हम कोशिश करना एक रेसिपी बनाएँ इसकी। देखिए मैंने सोचा था थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करूं, लेकिन बाद में मैंने सोचा अब रहने दो, दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो दही ना, आज मैंने सोचा था दही वाला मीट बनाऊं, लेकिन अब दही नहीं डालूंगी, तो ऐसे ही दिखा रही हूँ लोगों को ऐसे बनता है। हमारा मीट जो है ये तैयार हो रहा है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि एक दो सीटी भी इसको हमने देंगे, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। हमारा मीट अब रेडी है, आप देख सकते हैं
ये तैयार हो चुका है। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा और डाल दूँगी। थोड़ी सी ग्रेवी देखिए हमारा मीट जो है रेडी चुका है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है। पति ग्रेवी ग्रेवी बन रही है इसकी जो है, इसकी ग्रेवी बन जाएगी ताकि हम किसी चावल या और फुल्कों के साथ उसको हम खा पीते हैं। और वैसे भी इसमें जो है एक दो सीटी भी देनी है क्योंकि ये जो मटन होता है ये जल्दी नहीं बनता है, मटन में थोड़ा टाइम लगता है, इसको एक दो सीटी देनी पड़ती है। ऐसे ही पकाएंगे जब तक जो ये इसका जो तेल है हमें दिखेगा अलग और फिर हमें पता चल जाएगा इसका रिंगा पूरा हो गया है। तो हम उसमें थोड़ी सी करी डाल के फिर भी सीटी दे के हमारा मीट तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा मीट जो है अभी अच्छी तरह से इसको फ्राई नहीं हुआ है। ये हमारा मीट जो है तकरीबन तैयार लग चुका है। थोड़ा सा बस इसको पानी दे के हम इसको एक दो सीटी दे के ये रेडी हो जाएगा। तो आप हमें बता सकते हो कि हम जो अपने ये जो नई नई चीज़ें बना के लाते हैं आपको कैसी लगती है। आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नई नई रेसिपीज लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए इसका कलर जो है वो बाहर आ चुका है, मेरे जितना अच्छा कलर आ चुका है।
करती थी। इसमें तो सबसे बड़ी कलाकारी है इसको, तो ये रेंगा जो अच्छे से लगना चाहिए। या बहुत से लोग कहते हैं जल्दी जल्दी डाल दिए, जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा रेंगा देते थे और पानी डाल के इसको सीटी दे दी तो बन गया। नहीं, इससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें इसको टेस्ट ज़्यादा आता है। तो या ऐसे ही मैंने इसमें आधा एक घंटा मैं इसको रेंगा दूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक दो सीटी, फिर हमारा जो मीट है ये तैयार हो जाएगा। जैसे कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, कलर आ रहा है लेकिन जो है अपना कलर छोड़ दिया है। पानी थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और नीचे से लगेगी, क्योंकि इसमें फोम डाला है तो नीचे से लग जाता है पानी। ये देखिए आप, हमारा मीट है थोड़ा अगर पक चुका है, मैं इसमें थोड़ा उसका पानी डालूँगी। हमारा मीट जो है ये तैयार हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया क्योंकि एक दो सीटी भी इसको हम लेते हुए हैं, इसलिए मैं इसमें पानी डाल दूँगा। हमारा मीट अब रेडी है। आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा वाटर डाल दूँगी। इसी ग्रेवी देखिए हमारा मीट जो है रेडी हो चुका है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है ताकि ग्रेवी ग्रेवी बन जाए। इसकी जो है इसकी ग्रेवी बन जाएगी ताकि हम किसी चावल या और फुलकों के साथ उसको हम खा पीते हैं। और वैसे भी इसमें जो है एक दो सीटी भी देनी है क्योंकि ये जो मटन होता है ये जल्दी नहीं बनता है, मटन में थोड़ा टाइम लगता है, इसको एक दो सीटी देनी पड़ती है। A few moments later. आप देख सकते हैं ये हमारा मीट जो है ये रेडी हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आज मटन की रेसिपी आपको दिखाई, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मटन की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपके सामने और एक रेसिपी लेके आऊँगी। आप पहले मुझे इसके बारे में कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए आपको मेरी जो वीडियो बनाती हूँ आपको कैसा लगता है। आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम बता सकें कि आपके लिए क्या नया लाएँ। कमेंट में आप बताइए हम कौन सी रेसिपी बनाएं आपके लिए। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो हमारी रेसिपी रेडी है।
तो गाइस आप देख सकते हो ये जो मेरा जो मटन है ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसको पानी देके सीटी देती हूँ तो मेरा मटन जो है तैयार हो जाएगा। तो इसको थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे मटन की। ये देखिए इतनी सी ग्रेवी जो है वो काफ़ी है। तो गाइस ये मटन की रेसिपी थी। मटन की रेसिपी उतनी मुश्किल भी नहीं होती, बनानी बहुत आसान होती है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगती है। आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको और रेसिपीज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए हमारा मटन भी मैंने इसको 2 सीटियाँ दे दी, ये हमारा मटन रेडी है, 2 सीटियाँ दे दी, ये हमारा मटन जो है रेडी है। तो अब हम इसको अपनी मर्ज़ी चावल के साथ खाइए या चपाती के साथ खाइए। तो थोड़ी सी इसको मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसमें थोड़ा सा पानी जो है बॉयल करती हूँ उसको, ये थोड़ा पक जाए अच्छे से मिले, क्योंकि 1 सीटी मैंने दे दी इसमें। मीट को पक चुका है तो वैसे इसको और पकाएंगे। ये जो बिल्कुल का मीट होता है इसको 2 सीटें देनी ही पड़ती हैं। ये और मुर्गे का मीट जो होता है वैसे ही बन जाता है, इसको मगर 1-2 सीटें देनी पड़ती है। कभी कभी 4-5 सीटें भी लग जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा नरम ही था, इसमें 1-2 सीटियाँ लग के ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। गाइस आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। आप हमें कमेंट कीजिए, वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिल रहा है, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी जा रही है। तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएंगे बनाएंगे रोज़ बनाएंगे, आपको डेजर्ट को कुछ बनाएंगे, क्योंकि ये रोज़ का खाना है, ये तो बनता ही रहता है। अगर आप डेजर्ट का कल दिखाऊंगी तो डेजर्ट बना के गाइस ये देख लीजिए, ये हमारा मटन जो है वो रेडी हो चुका है। थोड़ी सी तरी तो होनी चाहिए मटन में, ये मैंने इसमें थोड़ी सी तरी जो है वो डाल दी। अब हम इसको 1-2 सीटी भी दे देंगे ताकि हमारा मटन जो है वो पक जाए। वैसे आधा तो इसी में पक गया क्योंकि हमने कोई 1 घंटे इसको रेड़ा दे दिया, तो ये हमारा पक चुका है। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और तो उसके बाद हम इसको सीटी देंगे। तो ये अब रेडी है खाने के लिए 1 सीटी के बाद। तो आप हमें मुझे ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए मैंने इसकी जो गैस थोड़ी कम कर दी थी, ये देखिए हमारा मीट है तैयार हो चुका है। बस ही हमारी वीडियो देखते रहिए।